चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन है, इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी मेरे जो है नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मेरे जो है ना हस्बैंड शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उन्हें जो है ना शॉप जाने की देरी हो रही थी तो उन्होंने सुबह सुबह अकेले ही पूजा कर ली शिव जी की। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और 10:30 बजे मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो आज है शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि और ओम नमः शिवाय। गाइस मैं आज भी जो है ना भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हूँ, तो पूजा मैं कर लूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ। और आज की तारीख है 4 मार्च और जो है ना दिन है सोमवार और बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन शिवरात्रि है, भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह का दिन है आज का। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ फिर मैं आपसे बात। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू फ्राई, क्योंकि आज मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही व्रत है। तो आज के दिन या तो मैं जो है ना फ्रूट खा सकती हूँ या तो मैं नमक खा लेती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि में मेरे बचपन से नमक खाया है, तो इसलिए मैं फरारी नमक में जो व्रत का नमक होता है वो मैं खाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आलू को फ्राई करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 1:45 हो रहा है और मुझे जो है ना लंच में ये आलू फ्राई करके ले जाना है अपने हस्बैंड के लिए और मैं भी खाऊंगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो मैं अब आलू फ्राई करके खाऊंगी। मैं जा रही हूँ आलू फ्राई करने के लिए। तो आलू फ्राई करने के लिए मैंने जो है ना मैं कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया और व्रत में घी खाया जाता है, अगर आप रिफाइंड ऑयल खा सकते हो तो रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। तो मैंने इसमें घी डाल दिया, घी को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और मैंने इधर चाय चढ़ा दी अपने लिए। तो चाय मेरी बन रही है, तब तक आलू फ्राई हो जाएगा। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद इसमें मैं ये जीरा मिला दूँगी। मैं जीरा खाती हूँ व्रत में, तो ये मैं जीरा मिलाऊंगी, ये आधे चम्मच के करीब जीरा है और जीरा मैंने मिला लिया है। तो जीरा जब तक छटक जा रहा है, जब तक ये पक जा रहा है, तब उसके बाद मैं मिर्च मिलाऊंगी। तो ये जीरा छटक गया है, अब मैं इसके अंदर मिर्च मिलाऊंगी। व्रत में हरी मिर्च खाई जाती है, मेरे घर में खाई जाती है, मैंने हरी मिर्च मिलाई है और ये जीरा और हरी मिर्च मैंने से मिलाया है। और इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी, ये आलू है, आलू को मैं डाल दूंगी। मैंने आलू को बड़े बड़े स्लाइसेस में काटे हैं, क्योंकि जब भूनेंगे तो थोड़े बहुत टूटते भी हैं, भूनते हैं, तो इसको मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में डाले हैं और इसको भूनेंगे। तो पहले मैं आलू डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें मिक्स करूंगी ये फरारी नमक जो व्रत में खाया जाता है। मैं
हिला करके इसको चला लेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट और देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आया है। मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ इसको, थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। मतलब ये अभी सारे आलू फ्राई नहीं हुए हैं तो मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। मेरे आलू पक गए हैं, ये देख सकते हैं अब आलू पक चुके हैं, फ्राई भी हो गए बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर धनिया मिलाऊंगी, हरी धनिया मिला दिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ इस लंच को करने, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छा बना है। इसके अंदर मैं नींबू डाल के खाऊंगी। आपने देखा कि मेरे आलू मैंने फ्राई कर दिया है और मैं जा रही हूँ अब अपना लंच करने। मैं पहले आलू और चाय खा के उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का टिफिन ले जाऊँगी। तो गाइस मैं फटाफट आलू खा लूँ, बहुत गर्म गर्म से हैं, गर्म खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं अब आलू खा लूँ और मेरे बनाना रखा हुआ है, बनाना खा लूँगी। मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं, बस आलू और बनाना खा के बस मैं चली जाऊँगी। और उसके बाद मैं शाम को कुछ मतलब फ्रूट में खा लूँगी, फिर रात में देखते क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड यही है मेरा आज का लंच और मैं जा रही हूँ लंच करने और मैं आपसे मिलूँगी शाम को। फ्रेंड गुड इवनिंग, इस समय बज रहा है 8 और 8 बजे मैं फिर से आई हूँ ब्लॉग कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं लंच बना के टिफिन पैक करके मैं ले गई थी शॉप और शॉप से लौट के मैं अब आई हूँ। और जो है ना, आने के बाद मुझे भूख लगी थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, जैसा कि मैंने बताया मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट है और आज शिवरात्रि है, इसलिए वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि और ओम नमः शिवाय। और गाइस जो है ना, अभी मैंने जो है ना गैस पे आलू को चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, अपने लिए चाय बना रहे हैं क्योंकि भूख लगी है थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी मैं जो है ना चाय पी लूँगी और मूंगफली का दाना खा लूँगी और उसके बाद जा कर के मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी व्रत वाली, और जो है ना सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि व्रत में जो है ना आटे की पूड़ी नहीं खा सकते तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खाया जाएगा। क्योंकि जो है ना दोनों जन बाहर रहते हैं और मैं तो व्रत रह जाऊँ, मेरे हस्बैंड तो नहीं भूखे रह सकते, तो उनके लिए तो मुझे जो है ना सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनानी पड़ेगी। तो वही मैं वही बनाऊँगी और गाइस मैं दिखाऊँगी कि मैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ी कैसे बनाती हूँ, मतलब उसका आटा मैं कैसे सानती हूँ और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरे घर में बहुत मच्छर है क्योंकि मेरा जो एरिया है वो लखनऊ का आउट एरिया और यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, मतलब कैमरे के इर्द गिर्द भी मच्छर टहलते रहते हैं, आपने देखा होगा। मक्खियाँ तो नहीं है पर मच्छर उड़े हैं यहाँ पे, और लखनऊ में मच्छर उड़े प्रसिद्ध हैं बहुत ज़्यादा है। तो जो है ना चलते हैं गाइस, मैंने आलू चढ़ा दिया, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड मैं बनाने जा रही हूँ जो है ना आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ व्रत वाली। तो पहले इसके अंदर मैं ये मैंने घी चढ़ा दिया है, कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया और घी गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी, जब जीरा छटक जाएगा तब मैं ये मिर्च डालूँगी, जितना भी तीखा खाना है उतना मिर्च डालिए। मैंने ये 5 मिर्च है जिसको काट लिया इसको डालूँगी। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, अगर टमाटर मैंने डाल दिया है तो अब मैं इसको चला लूँगी और इसमें जो है ना मैं नमक डालूंगी। नमक मैं ये व्रत वाला डाल रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट वाला ही नमक मैं डालूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। टमाटर गर्म हो गया है, अब इसमें मैं आलू डालूंगी। ये आलू है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये आलू है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको भूनने दूँगी। फ्रेंड ये आलू भुंज गया है, मैं अब क्योंकि मैं ग्रेवी वाली ये सब्जी बनाऊँगी तो अब मैं इसमें पानी मिलाऊँगी, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही मैं पानी मिलाऊँगी। अब इसको मैं ढक करके पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। फ्रेंड मेरी सब्जी बन गई है, अब मैं इसमें हरी धनिया डालूंगी। ये मेरी व्रत के आलू बन गए टमाटर वाले, बनाने जा रही हूँ अब जो है ना ये सिंघाड़े का आटा है, तो सिंघाड़े के आटे को मैं सानने जा रही हूँ। तो इसमें मैं पहले आलू मिलाऊंगी, ये 3 बड़े आलू हैं, इसको मिक्स करूंगी। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है,
या तो आप कद्दूकस लीजिए या तो महीन महीन इसको फोड़ दीजिए। तो कद्दूकस करने से क्या होता है, महीन महीन हो जाता है। और इसके अंदर में ये मिर्च है जो मैंने 5 मिर्च को महीन महीन काट लिया है, इसको मिला देंगे। और इसमें धनिया मिला देंगे। और फ्रेंड इसमें जो है ना, मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी स्वाद के लिए, तो इतना मैं नमक मिला दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना, ये घी है जो तो पिघला दिया है, ये उसको मिला दूंगी। अब मैं इसको इसी से सानूंगी, इसमें मैं पानी नहीं मिक्स करूंगी, ऐसे ही सानूंगी। ये देखिए आटा सन गया है, ये जो है ना सिंगाड़े का आटा है जिसको मैंने सान लिया है। ऐसे मैं दूसरे को भी बनाऊंगी। और इसको जब तक मतलब कि ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं, तब तक इसको मैं देख सकते हो कि ये ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये है हमारा आज का डिनर, ये है आलू टमाटर की सब्जी जो मैंने ब्रेड के नमक से बनाई है फरारी, ये है आपका सिंगाड़े के आटे की पूड़ी और बनाना और चाय। ये हमारा आज का डिनर है और यही डिनर मैं करने जा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की थाली मैं उनको देने जा रही हूँ और यही डिनर मैं करूँगी। तो गाइस मैं मिलती हूँ डिनर के बाद आपसे। आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारा डिनर विनर हो चुका है और हम अब जा रहे हैं फ्री होकर के सोने। और डिनर में तो आपने देख लिया कि मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाई थी। और गाइस जो है ना, आज का दिन तो बिल्कुल फास्ट वाला ब्लॉग हो गया मतलब कि व्रत वाला ही जो है ना ब्लॉग बन गया मेरा। और आज थी शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का व्रत था, तो पूरे दिन उसी का ही जो है ना लंच और डिनर बना है। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे जो है ना इस वीडियो पर एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ओम नमः शिवाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।